उन्होंने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया और इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में जीतू पटवारी के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ता चूड़ियां लेकर पहुंच गईं, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इधर बैतूल में जीतू पटवारी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। कुल मिलाकर जीतू पटवारी के बयान ने तूल पकड़ लिया है। आखिर वो बयान क्या था जिसे लेकर इतना बवाल मच गया, पहले उस बयान को समझिए। इमरती जी लगातार कांग्रेस की पार्टी की सहयोग कर रही हैं, बड़ा मदद की बातें कर रही हैं, उनके ऑडियो कही वायरल हो रही है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रहा। इमरती जी लगातार कांग्रेस की पार्टी की सहयोग कर रही हैं, बड़ा मदद की बातें कर रही हैं, उनके ऑडियो कही वायरल हो रही है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है। इमरती जी लगातार कांग्रेस की पार्टी की सहयोग कर रही हैं, बड़ा मदद की बातें कर रही हैं, उनके ऑडियो कही वायरल हो रही है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रहा। और अपडेट इस मामले में लगातार मिल रहा है। जीतू पटवारी की निर्वाचन आयोग में शिकायत भी कर दी गई है। इमरती देवी पर विवादित बयान का यह मामला, लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इमरती देवी पर विवादित बयान के मामले में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। महापौर मालती राय की अगुवाई में शिकायत की गई है। जीतू पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग इस केस जरिए की गई है। इमरती देवी को लेकर जो विवादित बयान, हमने आपको बताया था कि बीजेपी जाएगी आयोग में, इसकी शिकायत करेगी और ये वो शिकायती पत्र भी आ गया है। महापौर मालती राय, उनकी अगुवाई में एक टीम पहुंची, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा आयोग के पास, शिकायत की गई है महापौर मालती राय की अगुवाई में, और जीतू पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इधर जीतू पटवारी के बयान के बाद पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। इमरती देवी का कहना यह है कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच गंदी है, यह एक महिला का अपमान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। इमरती देवी इस बयान से बहुत आहत हैं। उन्होंने इसकी शिकायत एसपी से करने की बात कही है। अपमान की बात है, बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है हमारा क्या, पूरे प्रदेश की महिलाओं का किया है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कांग्रेसों की मतलब उनकी सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जितने बचे हैं वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को, उनको भी थोड़ा सोच समझ के बनाना था कि ऐसे आदमी को बनाया है जो महिलाओं का ही सम्मान नहीं कर रहे, जबकि हम किसी के पैरों से थोड़ी चलने वाले। हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि हम बाहर निकलें। ऐसा नहीं कि एक समाज की महिलाओं को दिया है, सभी समाज की महिलाओं को दिया है। और अगर ऐसी बात बोलेंगे तो जो हमारे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरानों की महिलाएँ हैं वो तो शर्म के मारे वैसे ही नहीं निकलेंगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे जीतू पटवारी हो, वो हर महिला के साथ ऐसा ही बोलते हैं और उन्हें बहुत शर्म आना चाहिए ऐसा नहीं बोलना। मैं एसपी को शिकायत करूंगी, मैं अशोक नगर भी आवेदन दूंगी और मैंने डबरा भी आवेदन दे दिया है, और मैं जब घर जाऊंगी कल तो FIR कराऊंगी। तो लगातार इससे जुड़े तमाम रिएक्शन हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन पहले इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ, वो आपको बता दें। 14 मई को वो नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी में। 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले एक भव्य दिव्य रोड शो वो करेंगे। 13 मई को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो होगा। वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव होने हैं। और अब बड़ा अपडेट ये कि 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। एमपी का भी एक कनेक्शन है, जो पूर्व डीजीपी हैं, रिटायर्ड आईपीएस मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने भोपाल के अलावा इस सीट से भी नॉमिनेशन, वो इस सीट से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13 मई को एक मेगा रोड शो, 14 मई को नॉमिनेशन फाइल करेंगे।
और अब वापस रुक करेंगे रस पर मचे रण की, यानी जो बयान जीतू पटवारी का हम लगातार आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच जीतू पटवारी का यह बयान बीजेपी के लिए मुद्दा बन गया। मैं बार बार आपको कहता हूं कि बीजेपी इस बॉल को खेलने की बेहतरीन एक्सपर्ट है और उसका स्ट्राइक रेट 100% चला जाता है। अब बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। बीजेपी ने जीतू पटवारी समेत पूरी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा कोशिश जरूर कर रहे हैं पटवारी को बचाने की। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो उनका चाहती होती है तो जीतू पटवारी के बयान ने कर दिया खेला। अपना अपमान की बात है, बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है हमारा। बयान पर बिफर गई इमरती देवी। इमरती देवी के बाद बीजेपी का हमला। उनका ये बयान पूरी कांग्रेस की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जीतू के बचाव में उतरी एमपी कांग्रेस। उनकी मंशा इस तरह की कभी भी नहीं होती है, महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी सियासत में अब जीतू पटवारी के विवादित बयान का तड़का लग गया है। जीतू पटवारी के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है, जीतू पटवारी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। इधर टूटा। महिलाएं जीतू पटवारी को चूड़ियां देने पहुंच गई। जहां मातृशक्ति की पूजा होती है वह इस प्रकार के शब्द बोल के जीतू पटवारी को डूब मरना चाहिए तो महिलाओं का अपमान नहीं कर। जिस तरह की टिप्पणी जीतू पटवारी जी हमारे बहनों के साथ, आदरणीय बहनों के साथ करते हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा को बताते हैं। उधर राउत से बीजेपी विधायक मधु वर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इससे पता चलता है कांग्रेस की संस्कृति और सोच कैसी है। तो मुझे तो शर्म आ रही है बोलने में कि एक कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष इस तरह की गंदी सोच रखते हैं। उनका ये बयान पूरी कांग्रेस की मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से वो मातृशक्ति को किस नजर से और किस दृष्टि से देखते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी राष्ट्र की शक्ति की वंदना करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं। मैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी पूछना चाहती हूं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के ऐसे गंदे बयानों पर वो क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं। उनको पहले भी उन्होंने विधानसभा में ऐसे गंदे बयान दिए थे, क्या उससे सम्मानित करने का काम करके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। ये सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं है, ये पूरी भारत की एक एक नारी का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी की बहनें कब तक सहन नहीं करेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मानसिकता को बताता है। ये बयान महिलाओं के प्रति कांग्रेस की गिरी हुई सोच को मया करता है। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस। एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो वहीं कांग्रेस जीतू पटवारी के बचाव में उतर गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। देखिए, जीतू हमारे युवा नेता हैं, उनकी मंशा इस तरह की कभी भी नहीं होती है। महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, मेरे साथ तो काम कर रहे हैं, और कभी भी इस तरह की बात उसका अर्थ अलग तरीके से निकाल लिया जाता है। उनका ये कहना था कि इमरती देवी का समय चूक गया है। फिलहाल जीतू पटवारी का बयान ऐसे वक्त आया है जब माहौल चुनाव का है। अब बयान बीजेपी के लिए मुद्दा बन गया है और चुनाव में इसका फायदा कितना मिलेगा ये तो नतीजे बता ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इमरती देवी को लेकर दिए गए जीतू पटवारी के बयान में खूब सियासत उबल रही है। उधर जीतू पटवारी ने अपने बयान पर सफाई दी। जीतू पटवारी ने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, फिर भी किसी को दुख हो गया हो तो मैं माफी मांगता हूं। आप भी सुनिए जीतू पटवारी का माफीनामा। कल मैं ग्वालियर था, वहां पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी,
उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ बड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हास उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। जीतू पटवारी ने अपने बयान पर माफी भले ही मांग ली हो, लेकिन सियासत थमी नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता और पुराने कांग्रेसी जो है नरेंद्र सलूजा, उन्होंने जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश का मणिशंकर अय्यर बता दिया। मणिशंकर अय्यर आप जानते होंगे, वही मणिशंकर अय्यर जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर 2014-2019 में विवादित बयान दिए। एक शब्द तो ऐसा है कि बोला भी नहीं जा सकता। नरेंद्र सलूजा ने यह भी कहा कि अक्सर वो विवादित बयान देते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। जीतू पटवारी का नाम बदलकर कांग्रेस जीतू अय्यर रख दे। मुझे तो लग रहा है जीतू पटवारी का नाम बदल देना चाहिए, वो आत्तन अपराधी हो चुके हैं, उनका नाम बदलकर जीतू अय्यर कर देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के नए मणिशंकर अय्यर हैं। लगातार विवादों से नाता है, लगातार विवादास्पद बयान देते हैं। अब रात को जो उन्होंने कल ग्वालियर में इमरती देवी जी के ऊपर बयान दिया, भले उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन तो आत्तन अपराधी। इसके पहले हमने इंदौर में चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि भूरी टेकरी में महिलाओं के बीच में जाके कहते हैं 500 रुपये लेके महिलाएं पोलके में रख लेती है। उसके पहले किसान आंदोलन में देखा किसानों को गाली बक के बुलाते हैं, आ जाओ रे तुम्हारी। तो लगातार विवादों से नाता रहता है, कभी कहते हैं पार्टी का ही तेल लेने, कभी कहते हैं कांग्रेस के प्लाट को समतल करने में लगा हूं। तो जीतू पटवारी अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। उधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दरअसल चर्चा में आ गए। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की जनसभा में एक अजीबो गरीब वाकया हो गया। भोपाल से सटी औद्योगिक नगरी सतलापुर इलाका, वहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इतने में जो थाना प्रभारी है महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने माइक बंद कर दिया, क्योंकि आचार संहिता का भी एक मसला होता है। माइक उन्होंने बंद किया, पूर्व सीएम नाराज हो गए और उन्होंने टीआई को जमकर फटकार लगा दी। शिवराज सिंह ने कहा कि तुमने माइक कैसे बंद कर दिया, इसे चालू करो। इस पर टीआई ठाकुर ने उन्हें लोकसभा के चुनाव आचार संहिता का हवाला दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। थाना प्रभारी पर बरसे पूर्व मंत्री और इसलिए मैं पूर्व मंत्री की टपक गई देखी। तुमने जवाबदारी ले रखी महेंद्र जनता से निवेदन और पुलिस से गुंडागर्दी क्यों? ये सवाल है और इसका जवाब है राजनीति। जी हाँ, चुनाव का दौर है, वोट की जरूरत है और इसलिए जनता से निवेदन है। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहे। जनता से निवेदन तो आपने सुन लिया, लेकिन जब पुलिस अधिकारी ने आचार संहिता का हवाला देकर शिवराज सिंह का माइक बंद कर दिया तो क्या हुआ वो देखिए। पहले शिवराज सिंह तनतनाते हुए बोले, शिवराज चुप हुए तो मंच पर मौजूद पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा अपना आपा खो गए। धमकी के लहजे में पुलिस वाले को खूब सुनाया। आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में माइक बंद होने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने कहा कि बीजेपी तमाम विधायक और मंत्री अधिकारियों को धमका रही है, जनता इसका मतदान से जवाब देगी। एक बार फिर क्रूरतम चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री नेता जिस तरीके से हैं, वही क्रूरतम चेहरा तानाशाही का, गुंडागर्दी का और दादागिरी का देखने को मिल रहा है।
और जनता खुली आंखों से देख रही है। कल रात में जिस तरीके से घटना घटी है, पुलिस अधिकारी को डराया गया है कि कहां फेंक दूंगा, तो ये शब्दावली बता रही है कि कितनी घबराहट में है भारतीय जनता पार्टी। इस तानाशाही को समझ रही है जनता और जवाब माकूल जवाब देगी। फिलहाल थाना प्रभारी को धमकी देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।